सब्सक्राइब करें बनारसी रसोईं को और बेल आइकन प्रेस करके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी रसोई। तो आप देख पा रहे होंगे आज की रेसिपी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही है। इसे बिना कहे ही ट्राई करने लायक है। इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बिना किसी मसाले का होता है ये रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो चीज़ी पैनकेक, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 4 बॉयल्ड पोटैटोज। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है, इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 5 से 7 चम्मच चावल का आटा। आपको जितनी ज़रूरत लगे आप उतना ही ऐड करें, इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आलू है इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस इसलिए करना है कि हम जब आलू को ऐसे मैश करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है। जब हम आलू को कद्दूकस करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो उसमें एक तार सा बनता है, मतलब एक चिपचिपाहट सी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा आलू जो है बहुत अच्छे से बाइंड होगा। तो ये ट्रिक ज़रूर आप आजमाइएगा और ये इसी तरीके से आप बनाइएगा, जिससे कि हमारे आलू में अच्छे से एक चिपचिपाहट सी रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे हमारा आलू। तो देखिए, हमने आलू को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी बहुत ही थोड़ा सा, लगभग 3 से 4 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर और क्यूमिन पाउडर। इन दोनों को हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 2-2, 3-3 पिंच ऐड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया था नमक। उसके बाद यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यहाँ पे हमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड करना है। उसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है हाथों की सहायता से। हमें इसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है ताकि हमारे आलू जो है अच्छे से तार वाले बने, ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है हरा धनिया। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे करीब 4 से 5 चम्मच चावल का आटा। बहुत ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है, जितने में आलू अच्छे से बाइंड हो जाए हमें उतना ही चावल का आटा यहाँ पे ऐड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा भी ऐड कर सकते हैं, अरारोट भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। बट चावल के आटे से क्या होता है कि हमारी जो टिक्की होती है उसमें कुरकुरापन होता है और इससे कलर जो है ना पैनकेक का बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद मैंने देखिए अच्छा सा डो तैयार कर लिया है आलू और चावल के आटे का। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है हाथों को सिर्फ और सिर्फ ग्रीस करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें एक रोटी के बराबर का पेड़ा लेना है, उसको अपने दोनों अंगूठों की सहायता से अच्छे से इसे चौड़ा कर, मतलब एक पूड़ी का शेप दे देना है, जितनी छोटी सी एक पूड़ी होती है उतनी बराबर। इस तरीके से चौड़ा करने के बाद अपने हथेली पे रखें और इसके बीच में हमें चीज़ ऐड कर देना है। तो आप चीज़ आपको जितना अच्छा लगता हो उतना ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है और उसे ऐड करने के बाद अपने अंगूठे की सहायता से अंदर की तरफ प्रेस करके इसे पैक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है बनाना। ऐसे ही आइए मैं दूसरा भी बना के आपको दिखाती हूँ। आप इसे जिस भी शेप में चाहें आप वो डिज़ाइन दे सकते हैं, गोल में, चौड़े में, जिस तरीके से आप इसे रखना चाहें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने इसे भी ऐसे लेके एक पेड़ा इसे चौड़ा कर लिया है और इसे इसमें बीच में चीज़ ऐड करके अच्छे से अंगूठे से प्रेस करके दबा दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से पैक कर दिया है। आलू में चावल का आटा ऐड करने की वजह से और आलू को अच्छे से हमने घिसा है, इसकी वजह से आलू जो हमारा है फट नहीं रहा है। आप जिस भी शेप में चाहे उस शेप में इसे ढाल सकते हैं, मतलब आप जैसे चाहे उसे बना सकते हैं इसे। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से इसका गोल सा बिल्कुल शेप दे दिया है और ऐसे ही मैं अपनी सारी टिक्की बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसे तलने के लिए देखिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल डाल के इसे अच्छे से तल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल ऐड नहीं किया है, इतना ऐड किया है जिससे कि नीचे से अच्छे से सिक जाए या फिर तल जाए। तो अब सारे जो पैनकेक है इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 3 से 4 मिनट बाद इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इसमें चावल का आटा ऐड करने की वजह से। आप अगर यहाँ पे अरारूट ऐड करते हैं तो उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है और क्रंचीपन भी बना होता है। तो
तो आइए इसे पलट के दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। 3 से 4 मिनट इसको लगता है फ्राई होने में, एक साइड बहुत ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगता है। अब दूसरे साइड से भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, या फिर जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए तब तक। तो आइए अब पलट के देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड से कितना अच्छा सा कलर आया है इसका, और देखने में ही कितना ज़्यादा ये कुरकुरा लग रहा है। तो हमारी बनके तैयार है पैनकेक। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और बहुत टेस्टी लगता है। कितने कम समय में, कितनी कम सामग्री में बनके ये तैयार हो गया है। तो आइए इसे काट के भी दिखाते हैं कि अंदर इसके चीज़ का क्या हाल है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये चीज़ कितना ज़्यादा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।